मैं अमन त्रिवेदी, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस का सेशन नंबर 7 एंड सेशन नंबर 8। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस किताब के समरी के बारे में, और इस वीडियो को प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। आप मेरे बारे में यहां पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AMANT, जिसके बाद आपको 10% अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिलेगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 5400 का और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4320 का मिलेगा। यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल द लाइव एजुकेटर्स विद द बेस्ट एजुकेटर्स। आप डेडिकेटेड डाउट सेशंस देख सकते हो, उसके बाद वीकली मंथली टेस्ट सीरीज देख सकते हो, वीडियोज देख सकते हो, उन्हें ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मेरे जो कोर्सेज अभी चल रहे हैं वो 20 जनवरी से शुरू हुआ है, 4 बजे से 6 बजे तक का कोर्स, जिसमें कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी है फॉर SSC CGL 2019। इसके अलावा प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर थ्रू MCQs। इन सभी कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं फॉर SSC CGL 2019 और CHSL 2019। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। तो जैसा कि सेशन 7 to 8 आपको टाइटल में भी दिख रहा है, सेशन 7 and 8 हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर्स के बारे में कैसे बात करते हैं। पिछले वीडियो सीरीज जो थी, पिछला जो आपका सेशन था, उसमें हम लोग डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, ये उसी का एक स्टेप फॉरवर्ड है। प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्रैक्टिस करते हैं जो चीज़ें एक तरीके से, उसी का फर्दर स्टेप आपका, ये आपका पार्ट है। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप AMANT रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 10% से ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है फॉर फर्दर डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, शुरू करें आज की इस क्लास को। पहला हमारा जो वर्ड है वो है ओडेंटोज। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, हमने ओडेंटोज वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओडेंटोज वर्ड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड दैट वॉज मतलब क्या था उसका, टूथ। ठीक है, तो ओडेंटोज का मतलब आपका था टूथ, उसी से वर्ड बना आपका ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो मतलब आपको क्या बताया था, स्ट्रेटन, ओडेंटोज मतलब था टीथ, तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या हो गया, अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ टीथ। दांतों से सिर्फ जुड़ी जो समस्याओं को ठीक करता है, दांतों को जो सीधा करता है, उसे हम क्या करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑर्थोडोंटिक्स प्रोग्राम डायरेक्टर एट यूकॉन हेल्थ। ठीक है, और ऑर्थोडोंटिक इसका एडजेक्टिव बन जाता है। अगला वर्ड हमारा इसमें आता है ऑप्सिस। ऑप्सिस का मतलब देखिए क्या होता है, ऑप्सिस का मतलब होता है आय। ठीक, वर्ड आपका है ऑप्टोमेट्रिस्ट। मीट्री का मतलब मैंने बताया आपका मेजर करना, ऑप्टो मतलब ऑप्टो मतलब होता है ऑप्टिक्स से आया लाइट, तो यानी कि वन हु मेजर्स विजन, टेस्ट फॉर ग्लूकोमा एंड प्रेस्क्राइब्स एंड फिट ग्लासेस, यानी कि जो आपकी आंखों का टेस्ट करता है, चश्मे टेस्ट करता है, नापता है आपके, उन्हें टेस्ट करता है और सही नंबर के ग्लासेस आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल, द के मार्ट्स इमीडिएट नेबर इन द शॉपिंग सेंटर इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑफिस, यानी कि के मार्ट का जो इमीडिएट नेबर है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट का एक ऑफिस है। अगला वर्ड हमारा आता है ऑप्सिस आई, दैट इज ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन ये ऑप्टिक्स से आया, ऑप्टिशियन क्या है, नाउन है, मतलब क्या हो गया, अ मेकर ऑफ और डीलर इन ऑप्टिकल आइटम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि ऑप्टिकल आइटम्स और इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिशनर हु मेक्स और सप्लाइज लेंसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय योर ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट ने क्या किया, चश्मे नाप लिए, अब उसने नंबर बता दिया कि फला नंबर का चश्मा आपका बनना है, वो चश्मा बनाएगा कौन, ऑप्टिशियन बनाएगा। तो ऑप्टिशियन क्या है, मेकर और डीलर ऑफ ऑप्टिकल आइटम्स और इंस्ट्रूमेंट जो है आपका ऑप्टिशियन है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑप्टिशियन सेड आई नीडेड न्यू ग्लासेस, ऑप्टिशियन ने कहा मुझे कुछ नए ग्लासेस चाहिए। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा जो है वो है साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है, स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, इससे वर्ड आपके क्या बने, साइको एनालिसिस, साइकोजेनिक, साइकोपैथी, साइकोपैथेटिक, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपी एंड साइकोमेटिक, ये सारे शब्द हुए। इन सभी का मीनिंग देखेंगे, मीनिंग आपका रूट वर्ड सभी का क्या है, साइकी, मीनिंग क्या हो गया, स्पिरिट और सोल या फिर माइंड। अब साइकी का मतलब क्या है, स्पिरिट, सोल या फिर माइंड। साइकोलॉजिस्ट, लोगोस मतलब क्या था, साइंस, IST लगता है मतलब एक्सपर्ट, साइको मतलब हो गया माइंड, तो वन हु स्टडीज द माइंड इसे क्या कहते हैं हम, साइकोलॉजिस्ट।
साइकोलॉजी क्या हो जाएगा? लोगोस साइंस, मतलब द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। तो इसकी स्टडी, इसकी पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, यानी कि माइंड की स्टडी और ये किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, हर साइकोलॉजिस्ट टर्नड आउट टू बी फेक, उसका जो साइकोलॉजिस्ट था वो नकली निकला, फेक निकला, साइकोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड होता है आपका साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब है द माइंड, योर डीपेस्ट फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, उसे हम कहते हैं साइकी। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेमिनिन साइकी इज टू सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, यानी कि फेमिनिन साइकी, यानी कि जो फेमिनिन दिमाग, जो महिलाओं का दिमाग है, वो इसी तरीके से काम करता है कि दे नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। तो साइकी का मतलब हुआ आपका माइंड, दिमाग, ठीक है, किसी का बिहेवियर। एडजेक्टिव क्या हो गया? साइकिक। अगला वर्ड आपका क्या होता है? साइकी, ये क्या है? स्पिरिट, वही है। पैथोस मतलब क्या होता है? सफरिंग और डिसीज। पैथोस मतलब क्या हो जाता है? सफरिंग और डिसीज। तो उसी से वर्ड क्या बना आपका? साइकोपैथिक। साइकोपैथिक मतलब क्या हो गया? माइंड और सफरिंग, मतलब सफरिंग फ्रॉम और कॉज्ड बाय अ सीरियस मेंटल इलनेस दैट कॉज समबडी टू बिहेव इन अ वायलेंट वे टुवर्ड्स अदर पीपल, यानी कि सफरिंग जो कि दूसरों की किसी सीरियस मेंटल इलनेस की वजह से है और जो कॉज करती है समबडी टू बिहेव इन अ वायलेंट वे टुवर्ड्स अदर पीपल, यानी कि जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए साथ बहुत ही वायलेंट वे में बिहेव करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोपैथिक। तो साइकोपैथिक समझ गए, सफरिंग फ्रॉम और कॉज्ड बाय अ सीरियस मेंटल इलनेस, सीरियस मेंटल इलनेस की वजह से जो बीमारी होती है जो कॉज करती है समबडी टू बिहेव इन अ वायलेंट वे टुवर्ड्स अदर पीपल, दूसरों के साथ आप हिंसक तरीके से व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, अ सीरीज ऑफ अनसॉल्व्ड मर्डर्स ऑन द आइलैंड हैज रेज्ड फियर्स दैट अ साइकोपैथिक सीरियल किलर इज ऑन द लूज। ठीक है, सीरीज ऑफ अनसॉल्व मर्डर्स जो हैं उन्होंने ऑन द आइलैंड उन्होंने इन रेज कर दिया इस फियर को दैट अ साइकोपैथिक किलर सीरियल किलर इज ऑन द लूज, साइकोपैथिक सीरियल किलर जो है वो खुला घूम रहा है। ठीक है, अगला वर्ड क्या है आपका? साइकोपैथी। तो अगेन, मेंटल डिसऑर्डर और स्पेशली वेन मार्क्ड बाई ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल एक्टिविटी, अ लैक ऑफ रिमोर्स फॉर वंस एक्शंस एंड एब्सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स एंड अदर क्रिमिनल टेंडेंसी। तो साइकोपैथी क्या हो गया? साइकोपैथी एक तरीके की क्रिमिनल टेंडेंसी, जिसमें आप दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइकोपैथी। ठीक है, तो साइकोपैथी का मतलब वही हुआ मेंटल डिसऑर्डर जो कि जिसमें व्यक्ति दूसरों के प्रति हिंसक हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, सम ह्यूमन कंडीशन सच एज साइकोपैथी डू नॉट मेक सच सेंस टू दिस थ्योरी। अगला वर्ड हुआ साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक क्या हो गया? सोमा मतलब हो गया बॉडी, साइको मतलब माइंड, ऑफ और रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग और कंसर्न्ड विद बॉडीली सिम्टम्स कॉज्ड बाय मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से कॉज करने वाले जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो आपके उसे कहते हैं सिम्टम्स जो आपके बॉडी में होते हैं, दे आर कॉल्ड साइकोसोमैटिक। तो साइकोसोमैटिक मतलब क्या हो गया? साइकोसोमैटिक हो गया कनेक्टेड विद रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, दिमाग और माइंड, माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशन के बारे के लिए हम क्या कहेंगे? साइकोसोमैटिक। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सेवरल वेज इन विच साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कैन बी जनरेटेड, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें हम साइकोसोमैटिक सिम्टम्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वर्ड हमारा है साइको एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या हुआ? अ सेट ऑफ टेक्निक्स फॉर एक्सप्लोरिंग अंडरलाइंग मोटिव्स और मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेरियस मेंटल डिसऑर्डर। तो साइको एनालिसिस हो गया वो तरीका, जो जिस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाएगा या उनके साथ में उनको ट्रीट किया जाएगा, उन टेक्निक्स के लिए कहते हैं साइको एनालिसिस। और साइको एनालिस्ट क्या हो गया? कॉमन नाउन। फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट आर ऑफन रिलक्टेंट टू कॉल ऑन साइको एनालिसिस। तो फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे आर ऑफन रिलक्टेंट, वो अनिच्छुक होते हैं टू कॉल साइकोएनालिसिस पे कोई कॉल लेने के। अगला है साइकोजेनिक। जेनेसिस मतलब होता है बर्थ और ओरिजिन। तो साइकोजेनिक मतलब क्या हो जाएगा? साइकोजेनिक मतलब हो गया ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इन मेंटल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यानी कि जो चीज़ें माइंड में जनरेट हो रही हैं उसके लिए आ जाएगा साइकोजेनिक। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट ओवरकम दिस साइकोजेनिक डिसऑर्डर ऑल द टाइम। इस साइकोजेनिक डिसऑर्डर से वो कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता है। अगला वर्ड आपका है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी, थेरेपी मतलब क्या हो जाता है? ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर उसे क्या कहते हैं?
साइकोथेरेपी। और साइकोथेरेपिस्ट क्या हो जाएगा? अ थेरेपिस्ट हु डील्स विद मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। एक थेरेपिस्ट जो कि इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर से ट्रीट डील करता है उसे हम क्या कहते हैं? साइकोथेरेपिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ही सीज अ साइकोथेरेपिस्ट ट्वाइस अ वीक। वो एक साइकोथेरेपिस्ट के पास हफ्ते में दो बार जाता है, यानी कि एक थेरेपिस्ट जो कि मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर से डील करता है। एग्जाम्पल हो गया साइकोथेरेपेटिक। आगे के जो वर्ड हैं हमने पिछले क्लास में भी किए थे, ऑर्थोडॉन्टिस्ट हो गया जो दांतों को ठीक करता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो चश्मे नापता है, ऑप्टिशियन जो चश्मे बनाता है, साइकोलॉजिस्ट हो गया जो दिमाग को पढ़ता है, साइकी हो गया दिमाग आपका जो डीपेस्ट फीलिंग हो गई, साइकोपैथिक हो गया जो मेंटली बीमार है, साइकोसोमेटिक द कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड मेंटल डिसीज, और साइको एनालिसिस जो एनालाइज करेगा, जो ट्रीट करेगा टेक्निक टू सॉल्व मेंटल डिसऑर्डर। साइकोजेनिक हो गया ओरिजिनेटिंग इन माइंड, और साइकोथेरेपी हो गया ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, लेट्स कीप इट टिल हियर। बाकी के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्लस सब्सक्रिप्शंस। और आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8299117042, जिससे आप मोर देन 10% डिस्काउंट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। बाकी के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने वीडियोस आप यहाँ आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे, और आप यहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर। हैव अ गुड डे।